सिद्रा के लहतारा रेलवे कॉलोनी निवासी रेल कर्मी के घर में रविवार को रात सिलेंडर बदलते समय नोजल फटने से महिला समेत 3 लोग झुलस गए। घायल हाल में रेल कर्मी की पत्नी इंद्रावती देवी को पड़ोसियों ने लहरतारा स्थित रेलवे अस्पताल पहुंचाया। 2 अन्य का इलाज मंडलीय अस्पताल में चल रहा है। मूलतः सलेमपुर लाल रोड निवासी RS उपाध्याय पेशे से NIR में गार्ड पद पर कार्यरत है। लहरतारा रेलवे कॉलोनी आवास संख्या 132 F में वह परिवार सहित रहते हैं। घटना के वक्त वह ड्यूटी पर थे। घर में सिलेंडर खत्म होने की वजह से इंद्रावती देवी ने नजदीक के ही मैकेनिक सोनू और घनश्याम से सिलेंडर बदलवा रही थी, तभी नोजल में आग लग गई जिससे धमाका हो गया। इस घटना में 3 बुरी तरह झुलस गए। वहीं धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। भूतल पर रहने वाले रेलवे गार्ड अरुण कुमार चौबे भागकर ऊपर पहुंचे और पानी फेंककर किसी तरह आग बुझाई। वाराणसी से शिवानी शाह की रिपोर्ट।